हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टारगेट DAIIT कट ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर मैं बहुत टाइम से पिछले साल का डेटा ढूंढ रहा था और फाइनली मेरे पास यहाँ पर पिछले साल का डेटा निकल के आ गया है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और जिसके अंदर यहाँ पर एक फिल्टर लगाया गया है कि टॉप टू बॉटम, यानी कि सबसे पहले जो कॉलेज का कट ऑफ क्लोज होता है वहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये जहाँ तक जाता है 100+ तक जाता है। तो वो सारा का सारा यहाँ पर PDF के अंदर डेटा था, तो उसके अंदर से यहाँ पर ये डेटा मिला है कि जिसके अंदर आप देख सकते हो कि टॉप के अंदर यहाँ पर DAIIIT ऑलवेज यहाँ पर बाजी मार जाती है। अगर मैं पिछले 5 साल के डेटा की बात करूँ तो हर साल सबसे पहला कट ऑफ जिसका क्लोज होता है वो यहाँ पर है DAIIIT। नाउ लेट्स सी फॉर द अपकमिंग ईयर कि यहाँ पर DAIIIT फॉर द 6th ईयर भी यहाँ पर फर्स्ट पे रहता है कि यहाँ पर कोई नई कॉलेज बाजी मार जाती है। तो लेट्स सी फॉर द 2025। अब यहाँ पर हम बात करें पिछले साल के डेटा की, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कहाँ पर क्लोज हुआ है कट ऑफ, वो यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर DAIIIT में गुजकेट की मदद से जो यहाँ पर रैंक क्लोज हुआ है वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच की TFWS सीट की, जहाँ पर अगर आपका मेरिट रैंक 4 के अंदर है तो फिर यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस है। और ये PDF में क्या दर्शाता है, ये PDF में दिखाता है कि जो भी यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है लास्ट स्टूडेंट्स का, उसका यहाँ पर रैंक 4 है। अगर हम यहाँ पर सेकेंड नंबर पे बात करें तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे ब्रांच आती है ICT विद CS की, जिसके अंदर है TFWS सीट और जिसके अंदर यहाँ पर 12th के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ICT ब्रांच है कि जिसके अंदर TFWS का यहाँ पर कट ऑफ 24 के ऊपर यहाँ पर क्लोज हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर दी जनरल ब्रांच, तो यहाँ पर ICT विद CS के अंदर 32 के अंदर यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ICT विद CS के अंदर ओपन कैटेगरी और इसके साथ यहाँ पर EWS ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर 33 नंबर के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर ओपन ब्रांच के अंदर 36 के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 53 पे यहाँ पर ओपन EWS का कट ऑफ क्लोज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर EC में ये पिछले साल ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है ये वाली ब्रांच, तो जहाँ पर भी 55 पे ही कट ऑफ क्लोज हो चुका है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर आने वाली TFWS सीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ACBC कैटेगरी, तो यहाँ पर 56 के ऊपर यहाँ पर MNC का कट ऑफ क्लोज हुआ है। उसके बाद अगर हम ICT ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर 67 के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ है। SC कैटेगरी के लिए ICT विद CS के ऊपर 76 पे कट ऑफ क्लोज हुआ है और यहाँ पर ACBC में ICT विद CS के लिए 83 पे यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर दूसरी कॉलेजेस के बारे में बात करें, दूसरे ब्रांच के बारे में, तो ये सारा डेटा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे। नाउ यहाँ पर मैं एक आपको मोटी मोटी रेंज लेके दे देता हूँ, तो मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी ब्रांच है DAIIIT उसके यहाँ पर TFWS की सीट के अंदर टारगेट कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपका कट ऑफ 0 से लेके 10 के बीच में होगा, तो आपके 100% चांसेस है। यानी कि अगर आपका मेरिट रैंक 0 फर्स्ट रैंक से यहाँ पर 10th रैंक के अंदर आता है तो फिर यहाँ पर DAIIIT में TFWS में मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओपन कैटेगरी की, तो यहाँ पर मैं मान के लेके चल सकता हूँ 48 तक, अगर आपका यहाँ पर कट ऑफ 1 से लेके 48 के बीच में है तो फिर यहाँ पर जनरल कैटेगरी में कोई भी ब्रांच में आपको मिलने के चांसेस है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप SEBC यानी कि बैकवर्ड कास्ट, कुछ ऐसा ही फुल फॉर्म होता है, अगर ACBC से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपका 70 तक कट ऑफ है, तो फिर यहाँ पर आपके एडमिशन मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी SC एंड ST कैटेगरी, तो यहाँ पर 150 तक भी यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो कुछ मोटी मोटी रेंज यहाँ पर इस तरह से कुछ निकल के आती है। मैं और भी यहाँ पर आपको ब्रांचेस दिखाने वाला हूँ कैटेगरी
कैटेगरीज दिखाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड इन दी अपकमिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बाकी बची हुई कैटेगरी ऊपर, तो लेट मी जूम इट अप लिटल बिट। तो यहाँ पर बाकी बची कैटेगरी में कौन सी है, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 267 तक कट ऑफ चल गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए आईसीडी में 237 पर यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले तो सारा का सारा डेटा इरेज कर देता हूँ। अब जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर डी ए डबल आई सी टी का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए पोज ले रहा हूँ, आप स्क्रीन को पोज करके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अदर ब्रांच। तो यहाँ पर ए सी बी सी ब्रांच में यहाँ पर 154 तक कट ऑफ गया है। उसके बाद यहाँ पर एमएनसी ब्रांच में एससी कैटेगरी के अंदर 109 के ऊपर कट ऑफ गया है। आईसीटी विद सीएस के अंदर एसीबीसी के अंदर 83 तक कट ऑफ गया है। उसके अलावा आईसीटी विद सीएस में एससी कैटेगरी में 76 तक कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने डी ए डबल आई सी टी का पिछले साल का डेटा आपको दिखाया है। अगर यहाँ पर अभी तक आपके पास मेरिट रैंक नहीं आया है, जैसे ही आपके पास मेरिट रैंक आ जाता है तो आप इजीली यहाँ पर पता कर पाओगे कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है कि नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।